मूवी की शुरुआत होती है एक रात वाले सीन से, जहां पर हमें एक टेस नाम की लड़की दिखाई जाती है जिसने एयरबीएनबी से 476 बर्बारी घर को बुक किया हुआ था। टेस उस घर पर पहुंच जाती है और घर को अनलॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन उससे वो घर अनलॉक नहीं होता है। और फिर टेस उस एजेंसी को कॉल करती है जिसके थ्रू टेस ने घर बुक किया था, लेकिन कोई उसका कॉल पिकअप नहीं करता है और वापस जाकर अपनी कार में ही बैठ जाती है क्योंकि बाहर बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही थी। तभी टेस को उस घर में लाइट ऑन होती दिखाई देती है, इसका मतलब ये था कि घर के अंदर कोई है। तो फिर वो वापस जाकर डोरबेल बजाती है और फिर विंडो से घर के अंदर देखने लगती है, जिस पर उसे एक लड़का घर के अंदर से देख लेता है और फिर वो गेट खोलकर बाहर आता है जिसका नाम कीथ था। और उसे देखकर टेस हैरान हो जाती है क्योंकि उसने ये घर खुद के लिए बुक किया हुआ था, लेकिन अंदर से कोई और ही बाहर आता है। फिर टेस उससे पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर वो लड़का उसे बताता है कि उसने ये घर किसी रेंटल सर्विस के थ्रू बुक किया है। टेस भी उसे बताती है कि उसने भी ये घर एक महीने पहले एयरबीएनबी से बुक किया था और यहाँ पर शायद दोनों अलग अलग एजेंसीज ने उन्हें सेम ही घर रेंट पर दे दिया था और उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो आगे क्या करेंगे। बाहर बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी जिस वजह से कीथ उसे अंदर आकर एजेंसी को कॉल करने के लिए कहता है। टेस घर के अंदर जाना तो नहीं चाहती थी क्योंकि उसे थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन उसके पास और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। टेस फिर अंदर जाती है और वॉशरूम के बहाने से पूरे घर को अच्छे से देखने लगती है कि वहाँ पर कहीं कुछ अजीब तो नहीं है, लेकिन टेस को वहाँ पर कुछ भी अजीब नहीं मिलता है। वापस आकर टेस कीथ को अपना रिजर्वेशन दिखाने के लिए कहती है क्योंकि उसे अभी भी कीथ की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर कीथ उससे अपना रिजर्वेशन दिखाता है जिस पर टेस को यकीन हो जाता है कि ये घर कीथ के ही नाम पर बुक हुआ है। अब टेस उसे कहती है कि घर कीथ के नाम पर बुकड है तो यहाँ पर रुक जाए, और टेस कार में बैठकर सोचती है कि उसे आगे क्या करना है, जिस पर कीथ उसे कहता है कि अगर वो चाहे तो यहाँ पर रुक सकती है क्योंकि इतनी रात को बाहर कार में रुकना उसके लिए सेफ नहीं होगा। उसकी इस बात से टेस घर में रुकने के लिए मान जाती है और फिर कीथ उसके लिए चाय बनाने के लिए चला जाता है। वो टेस के लिए चाय बनाने लगता है और टेस अपने लिए मोटल में एक रूम को सर्च कर रही थी, लेकिन उसे कहीं पर भी कोई भी रूम नहीं मिलता है, जिस पर कीथ उसे आकर बताता है कि टाउन में आज रात को कन्वेंशन चल रहा है जिस वजह से उसे आज रात को कहीं भी रूम नहीं मिल पाएगा। अब कीथ उसे कहता है कि वो चाहे तो रूम में जाकर सो सकती है, जिस पर टेस उसे कहती है कि वो बेड पर सो जाएगी, लेकिन कीथ के इंसिस्ट करने पर टेस रूम में सोने के लिए मान जाती है। फिर टेस अपना सामान रूम में ले जाने लगती है और तभी टेस की नज़र कीथ के वॉलेट पर जाती है, जिस पर वो कीथ की आईडी का फोटो चेक करती है, जिसमें से वो कीथ की आईडी का फोटो क्लिक कर लेती है। टेस जब फ्रेश होकर रूम से बाहर आती है तो कीथ डाइनिंग टेबल पर उसका वाइन की बोतल लेकर वेट कर रहा होता है और उसने अभी तक वाइन की बोतल को ओपन भी नहीं किया था। कीथ टेस से कहता है कि वो समझ सकता है कि किसी स्ट्रेंजर पर ट्रस्ट करना इतना ईजी नहीं है और इसी वजह से उसे यहाँ पर थोड़ा अनसेफ भी लग रहा होगा। वो ये भी कहता है कि जब उसने टेस को चाय दी तो उसने वो भी नहीं पी थी क्योंकि कीथ ने ये देख लिया था, और अगर उसे ठीक नहीं लगे तो वो वाइन भी नहीं पिए। कीथ की बातें सुनकर टेस को थोड़ा ठीक लगता है और दोनों काफ़ी बातें भी करते हैं, और वो उसे बताती है कि वो यहाँ पर एक जॉब के इंटरव्यू के लिए आई हुई है। कीथ उसे अब अपने बारे में बताता है जिससे कि टेस को समझ आ जाता है कि कीथ अच्छा लड़का है। अब फिर दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। टेस काफ़ी अच्छा फील कर रही थी और सोने के पहले वो रूम का डोर भी लॉक कर लेती है। अब रात होती है तो टेस को कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है जिसकी वजह से उसकी नींद खुल जाती है और रूम का डोर भी खुला हुआ था। उसे लगता है कि शायद डोर कीथ ने ओपन किया होगा और उसे चेक करने के लिए वो रूम के बाहर आ जाती है। फिर अब वो कीथ के पास जाती है तो देखती है कि कीथ नींद में है और कुछ अजीब बड़बड़ रहा है। टेस थोड़ी डर जाती है और कीथ को उठाकर उससे पूछती है कि रूम का डोर अपने आप ओपन हो गया था तो क्या उसने उस डोर को ओपन किया था। उस पर कीथ उसे ऐसा करने से मना कर देता है, फिर वापस अपने रूम में सोने के लिए चली आती है। अब अगली सुबह जब टेस की नींद खुलती है तो देखती है कि टेबल पर कीथ का लिखा हुआ एक नोट रखा हुआ था जिसमें लिखा था कि उसे टेस के साथ में बिताया हुआ कल रात का टाइम काफ़ी अच्छा लगा और कुछ काम से बाहर जा रहा है और अब वे दोनों शाम को मिलेंगे। इस नोट को देखकर टेस को अच्छा फील होता है, वो फिर से स्माइल करती है और अपने काम के लिए निकल जाती है। जब बाहर आती है तो देखती है कि वहाँ के सारे घर टूटे हुए थे और उसे वहाँ पर एक भी इंसान नहीं दिखाई देता है। ये सब टेस को काफ़ी अजीब लगता है और फिर वो अपनी कार में बैठकर वहाँ से जाने लगती है तो उसे वहाँ का पूरा इलाका ही उजला हुआ नजर आता है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि शायद ही वहाँ पर कोई रहता हो। अब टेस लोकेशन पर पहुँच जाती है जहाँ पर उसके जॉब का इंटरव्यू था और वो इंटरव्यू काफ़ी अच्छा भी जाता है। इंटरव्यू के बाद में इंटरव्यूअर उसे पूछती है कि वो कहाँ पर रुकी हुई है, जिस पर वो उसे उस जगह के बारे में बताती है। तो इंटरव्यूअर उसे ये कहती है कि जिस जगह के बारे में वो बता रही है वहाँ पर कोई भी एयरबीएनबी सर्विस नहीं है
और वो जगह काफ़ी अजीब है, तो इसलिए वो वहाँ से जल्दी कहीं और चली जाए। टेस वापस आती है तो उसकी तरफ एक आदमी तेज़ी से भागता हुआ आता है, जिसे देखकर टेस डर जाती है और घर के अंदर चली जाती है। वो आदमी उससे वहाँ से निकल जाने को कहता है। टेस फिर 911 पर कॉल करके हेल्प बुलाती है, लेकिन उसे सामने से जवाब मिलता है कि वहाँ पर अभी कोई भी यूनिट अवेलेबल नहीं है। वो जैसे यूनिट अवेलेबल होगी वो किसी को वहाँ पर भेज देंगे। कुछ समय के बाद में वो वहाँ से जाने के लिए अपना सामान पैक करने लगती है, लेकिन फिर थोड़ी नॉर्मल होकर वो वॉशरूम जाती है और वहाँ पर टॉयलेट पेपर नहीं था, जिसे लेने के लिए वो रूम में जाती है, लेकिन उसे वहाँ भी कोई टॉयलेट पेपर नहीं मिलता है। फिर वो बेसमेंट में जाती है और वहाँ का डोर अपने आप ही लॉक हो जाता है, जिस वजह से वो बाहर नहीं निकल पाती है और उसका रूम भी उसके पास में नहीं था। अब इसके बाद वो वहाँ से निकलने के लिए कोई रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कोई भी रास्ता नहीं मिलता है। फिर वो बेसमेंट में ही दीवार में लगी हुई एक रस्सी को खींचने लगती है, जिससे कि बेसमेंट के अंदर का एक सीक्रेट डोर ओपन हो जाता है, लेकिन वो उसके अंदर नहीं जाती है। अब कुछ देर बैठकर सोचने के बाद वो उसके अंदर जाती है तो वहाँ पर एक रूम उसे दिखाई देता है, जिसके अंदर एक बेड, कैमरा और एक बकेट थी, और उसे दीवार पर एक हैंड प्रिंट भी दिखाई देता है जो कि शायद खून से बना हुआ था, और वो इसे देखकर डर जाती है और वहाँ से बाहर आ जाती है। अब तक कीथ भी बाहर आ चुका था और टेस बेसमेंट की विंडो से कीथ को हेल्प के लिए बुला लेती है। इसके बाद कीथ आकर टेस को वहाँ से बाहर निकालता है। फिर टेस वो सब कुछ कीथ को बताती है जो भी उसने बेसमेंट में देखा था, जिस पर कीथ उसे समझाता है कि वो बेसमेंट है और किसी ने वहाँ पर यूजलेस सामान रखा होगा, लेकिन टेस उसकी बातें नहीं सुनती है और वहाँ से जाने लगती है, जिस पर कीथ उसे कहता है कि वो अंदर जाकर देखकर आएगा। तब तक टेस उसका बाहर वेट करे, क्योंकि अगर डोर फिर से लॉक हो गया तो उसे खोलने वाला वहाँ पर कोई नहीं होगा। कीथ अब बेसमेंट में जाता है और टेस कीथ के बाहर आने का वेट करने लगती है। कुछ देर के बाद में जब कीथ बेसमेंट से बाहर नहीं आता है तो टेस उसे ढूंढने के लिए बेसमेंट में जाती है, तो कीथ उसे वहाँ पर भी नहीं मिलता है। तभी उसकी नज़र बेसमेंट के अंदर बनी हुई टनल पर जाती है, उसके पास जाकर जिस पर कीथ का उसे रिप्लाई आता है कि वो अंदर है, जहाँ पर आकर वो उसकी मदद करे। टेस डरते डरते उस टनल में जाने लगती है तो वहाँ पर उसे बहुत सारे केजेस दिखाई देते हैं। फिर वो कीथ को आवाज़ लगाते हुए अंदर तक जाने लगती है तो उसे कुछ दूर अंदर जाने पर कीथ मिल जाता है। वो उसे वहाँ से चलने के लिए कहती है, जिस पर कीथ उसे बताता है कि उसके अलावा यहाँ पर कोई और भी है जिसने उसे काट लिया है। तभी वहाँ पर एक अजीब सी डिफॉर्म औरत आती है, जो कि कीथ का सर दीवार पर मार मार कर उसकी बड़ी बहरहमी से हत्या कर देती है, और वो टेस्ट पर भी बहुत जोर से चीखती है, जिसके साथ ये सीन यहीं पर कट होता है। अगले सीन में हमें एक टीवी एक्टर एजे दिखाया जाता है, जो कि कहीं पर जा रहा था। तभी उसे पता चलता है कि उसे उसके नए शो से निकाल दिया गया है, क्योंकि उसके को स्टार ने उसके ऊपर मोलेस्टेशन का केस लगा दिया है। फिर अब एजे उसके वेल्थ मैनेजर के पास में जाता है, जो कि उसे बताता है कि उसके पास में इतने पैसे नहीं है कि वो इस केस को लड़ सके, और अगर वो ऐसा करेगा तो उसे अपना घर भी बेचना पड़ेगा और उसके पूरे पैसे 3 महीने में खत्म हो जाएंगे। फिर एजे लोगों से छुपते छुपाते अपनी एक रेंटल प्रॉपर्टी पर रहने के लिए जाता है, और ये जगह वही थी। फिर उसे वहाँ पर उन दोनों का सामान मिलता है, जिसे देखकर एजे उस एजेंसी पर कॉल करता है और पूछता है कि क्या ये घर उन्होंने किसी को रेंट पर दिया हुआ है, जिस पर उसे पता चलता है कि ये घर कुछ हफ्ते पहले रेंट पर दिया गया था, लेकिन अभी यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है, और फोन वहीं पर कट हो जाता है। फिर एजे अब अपने फ्रेंड के साथ में बाहर जाता है। फिर जब वो रात में वापस आता है तो अपनी कोस्टार को कॉल करके वो उसे माफ़ी भी मांगता है। अगली सुबह जब एजे की नींद खुलती है तो वो उस सामान को चेक करने लगता है, लेकिन उसे उसमें कुछ नहीं मिलता है। तभी उसे बेसमेंट से कुछ आवाज़ आती है तो समझ जाता है कि नीचे कोई है। जब वो बेसमेंट के गेट तक जाता है तो उसे नीचे से किसी के चलने की आवाज़ आती है, जिससे कि वापस आकर एक चाकू और टॉर्च को लेकर नीचे जाता है। यहाँ पर वो हर जगह का मेजरमेंट लेने लगता है, क्योंकि वो इस प्रॉपर्टी को बेचने वाला था। फिर अब वो भी टनल तक पहुँच जाता है और वहाँ पर उसे भी वही चीज़ दिखाई देती है। वो और अंदर जाता है तो उसे एक रूम दिखता है, जिसके अंदर एक टीवी लगा हुआ था और उसमें कोई शो चल रहा था। तभी उसके हाथ से कोई मेजरिंग टेप खींचने लगता है और वो उसे अपने हाथ से छोड़ देता है। तभी उसके सामने वही डिफॉर्म औरत भी आ जाती है, जिससे कि डरकर वो भागने लगता है, और वो औरत उसे पकड़ लेती है और एक गड्ढे में डाल देती है। वहीं पर टेस भी थी, जो कि उसे शांत रहने के लिए कह रही थी, और इसका मतलब यह था कि टेस अभी भी जिंदा है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें फ्रैंक नाम का एक आदमी सुपरमार्केट से बेबी डिलीवरी का सामान ले रहा था। फिर वो अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकलने लगता है तो उसे एक औरत दिखाई देती है, जिसका पीछा करते हुए वो उसके घर तक पहुँच जाता है और प्लम्बर का ड्रेस पहनकर उसके घर के अंदर जाता है और वॉशरूम में जाकर उसकी विंडो को अनलॉक कर देता है। फिर वापस अपने घर चला जाता है। फिर जब वो घर के अंदर जाता है तो बेसमेंट से हमें किसी औरत के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, और ये घर वही था। सीन यहीं प्रकट हो जाता है, और इससे हमें पता चलता है
कि फ्रैंक उन औरतों को किडनैप करके यहाँ पर लाता होगा और फिर वो उनका रेप करके उनसे बच्चा पैदा करवाता होगा, और इसीलिए उसने अपने घर के नीचे इतनी लंबी टनल बनाकर रखी हुई थी जिसके बारे में किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी। अगेंस्ट इन प्रेजेंट में आता है और एजे को दिखाया जाता है जो कि उसी गड्ढे में था। टेस उसे कहती है कि वो शांत रहे और उस औरत से डरे नहीं क्योंकि वो औरत उसे अपना बच्चा समझ रही है। तभी वो औरत वहाँ पर आ जाती है और एक दूध की बोतल से एजे को दूध पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन एजे दूध नहीं पीता है। फिर वो टेस को दूध पिलाती है और टेस उसे पीना तो नहीं चाहती थी लेकिन उसे यह अपनी मजबूरी में करना पड़ता है, नहीं तो उस औरत को गुस्सा आ जाता और वो शायद इन दोनों को वहीं पर मार डालती। एजे दूध नहीं पी रहा था तो इसीलिए वो उस गड्ढे में आती है और टेस को प्यार करती है क्योंकि वो इन दोनों को अपना बच्चा समझ रही थी। फिर वो एजे को अपने साथ में ऊपर ले जाती है क्योंकि वो बहुत डर रहा था, तो वो उसे रूम में ले जाकर खुद का दूध पिलाती है। फिर मौके का फायदा उठाकर टेस भी वहां से बाहर निकल आती है और वहां पर चुपचाप जाने लगती है। तभी उसका पैर उस मेजरिंग टेप पर पड़ जाता है जिसकी आहट से वो औरत उसे देख लेती है और वो उसका पीछा करने लगती है। अब टेस तेजी से ऊपर की ओर भागती है लेकिन बेसमेंट का डोर लॉक था जिस वजह से वो विंडो को तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करती है, और इतने में ही एक आदमी आकर उसे बाहर खींच लेता है। वो औरत दिखती रह जाती है और ये उसके बच्चे को ले जाता है। ये आदमी वही था जो कि स्टार्टिंग सीन में टेस को यहाँ से ले जाने के लिए कह रहा था। टेस उसे कहती है कि अंदर कोई और भी है और हमें उसकी मदद करनी होगी, जिस पर वो आदमी टेस से कहता है कि वो अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाए क्योंकि वो रात में उसे ढूंढने के लिए बाहर आएगी और अगर टेस उसे मिल गई तो वो उसे वापस अपने साथ में ले जाएगी। फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है और टेस भी वहाँ से निकल आती है। वो चलते चलते गैस स्टेशन तक पहुँच जाती है और वहाँ पर पहुँच कर वो पुलिस को कॉल करके बुला लेती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एजे अभी भी यहाँ से निकलने की कोशिश करता है। चलते चलते वो एक और रूम तक पहुंच जाता है। वो औरत जो कि एजे का पीछा कर रही थी वो भी उस रूम का गेट देखकर वहां से वापस चली जाती है। फिर अब एजे अंदर जाता है तो उसे चारों ओर बिखरा हुआ काफी ज्यादा सामान मिलता है और उसे एक ड्रेस भी मिलती है जो कि किसी औरत की थी जिसका पीछा करते हुए हमने फ्रैंक को देखा था। फिर उसी रूम में एजे को फ्रैंक भी दिखता है जो कि अब बूढ़ा हो चुका था। वो एजे से इशारे में कुछ मांगता है लेकिन एजे को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो पूरी टेबल को उसकी तरफ खिसका देता है। तभी एजे का ध्यान वहाँ पर रखी हुई काफी सारी टेप्स पर जाता है जिसके ऊपर कुछ नाम लिखे हुए थे। एजे उनमें से एक टेप को टीवी पर प्ले करता है तो उसमें फ्रैंक एक औरत को बुरी तरीके से टॉर्चर कर रहा था और उसका रेप कर रहा था, यानी कि फ्रैंक औरतों का किडनैप करता था और उस कैमरा वाले रूम में उन्हें टॉर्चर करता था। जो केजेस हमने देखे थे उनमें फ्रैंक औरतों को रखा करता था। फिर फ्रैंक टेबल के ड्रॉ से गन निकालता है और वो एजे की तरफ उसे पॉइंट करता है जिससे कि एजे बुरी तरीके से घबरा जाता है और इतने में फ्रैंक खुद को ही गोली मारकर खुद की जान ले लेता है। इधर टेस पुलिस को लेकर आ जाती है और उन्हें सारी बातें बताती है लेकिन पुलिस उसकी बातों पर यकीन नहीं करती है और बाहर से ही वापस लौट जाती है। फिर टेस विंडो को तोड़कर अंदर जाती है और कार की चाबी उठाकर वहां से जाने लगती है। तभी वो डिफॉर्म औरत वहां पर आ जाती है और टेस उसे कार से ठोक देती है और टेस उसे मरा हुआ समझकर अंदर एजे की हेल्प करने के लिए चली जाती है। जैसे ही टेस अंदर जाती है तो एजे उसे वही डिफॉर्म औरत समझकर गोली मार देता है। जब उसे रियलाइज होता है कि ये टेस है तो वो उसे माफी मांगता है। टेस बच जाती है और एजे उसे उठाकर घर से बाहर ले आता है तो टेस ये देखती है कि वो औरत वहाँ पर नहीं है। वे दोनों वहाँ से अब पैदल निकलने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें वही आदमी मिल जाता है जो कि उन दोनों को अपने घर ले जाता है। फिर उन दोनों के पूछने पर वो उन्हें उस औरत के बारे में बताने लगता है कि वो औरत उस घर में 40 सालों से रह रही है, जिस पर एजे कहता है कि वो घर तो उसका है लेकिन वो आदमी कहता है कि ऑन पेपर भले ही वो घर उसका हो लेकिन असल में वो घर उस औरत के डैड का है, यानी कि फ्रैंक का, जो कि औरतों को वहाँ पर पकड़ कर लाया करता था और उनका रेप करके उनसे बच्चा पैदा करवाता था। और शायद यही वजह होगी कि वो औरत फ्रैंक के रूप में जाने से डर रही थी और बाहर से ही वो वापस लौट जाती है क्योंकि उसे उसके डैड की हरकतों के बारे में पता था। अब एजे वहाँ से जाने की बात करता है लेकिन वो आदमी उसे कहता है कि वो दोनों आज तक यहीं पर रुक जाए क्योंकि वो औरत यहाँ पर नहीं आती है। इतने में ही वो औरत वहाँ पर आ जाती है और उस आदमी को बुरी तरीके से वो मार डालती है। अब वो आदमी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है और वाटर टैंक पर चढ़ जाता है। एजे के हाथ से गन भी छूट जाती है और अब उन दोनों को बचने का कोई रास्ता नहीं मिलता है तो एजे खुद की जान बचाने के लिए टेस का सिर पकड़कर उसे टैंक से नीचे फेंक देता है। इसे देखकर हमें समझ में आता है कि एजे कितना बुरा और सेल्फिश इंसान है। टेस को नीचे गिरता देखकर वो औरत भी अपने बच्चे यानी कि टेस को बचाने के लिए नीचे कूद पड़ती है। एजे जब नीचे देखता है तो टेस उस औरत के ऊपर गिरी हुई थी जिससे कि एजे को लगता है कि वो औरत वहीं पर मर चुकी होगी। टेस अभी भी जिंदा थी और दर्द में करा रही थी।
जिसके बाद एजे फिर से अपनी माफ़ी मांगने वाली नौटंकी शुरू कर देता है। हमें पता चलता है कि वो औरत अभी भी नहीं मरी थी और वो आकर एजे की आंखों में अपनी दोनों उंगलियां घुसाकर उसकी आंखों को फोड़ देती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि एजे ने उसके बच्चे को मारने की कोशिश की थी। अब वो टेस के पास जाती है और उसे टेस को इस हालत में देखकर बहुत ही दुख होता है और वो उसे प्यार करने लगती है। वो अब टेस को वापस उठाने की कोशिश करती है और वो इशारे में उसे अपने घर चलने को कह देती है, लेकिन टेस वापस उस जगह पर नहीं जाना चाहती थी, तो वो अपने पास में पड़ी गन उठाकर उस औरत को शूट करके उसे मार डालती है। मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि टेस वहां से निकल जाती है और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी में हमने देखा कि टेस एक शहर में अपना एयरबीएनबी घर बुक करती है, लेकिन जब वो वहां पर जाती है तो उसे पता चलता है कि वहां पर ऑलरेडी कोई रह रहा है। वो उस आदमी के साथ में अपना रूम शेयर करती है, लेकिन उसे बाद में पता चलता है कि जिस रूम में वो रह रही है उसके नीचे बहुत ही गहरे राज छुपे हुए हैं। उस घर के बेसमेंट में एक औरत रहा करती थी जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफॉर्म थी और उसे उसके पिता ने ही वहाँ पर बांध कर रखा हुआ था। उस औरत का पिता रेपिस्ट, किडनेपर और किलर था, जो कि वहाँ पर लड़कियों को लाया करता था और उनका रेप करने के बाद में वो उनसे बच्चा पैदा करवा के उन्हें मार दिया करता था। हमें पता चलता है कि यह घर एजे नाम के एक्टर ने खरीदा हुआ है, लेकिन उस घर का असली ओनर फ्रैंक था और फ्रैंक उस औरत का बाप था। असल में फ्रैंक एक क्रिमिनल भी था जो कि अपने घर के बेसमेंट पे लड़कियों को लाता था, वो उन्हें टॉर्चर करता था, रेप करता था और उसके बाद में वो उनसे बच्चा पैदा करवा के उनका बच्चा छीन के वो उन्हें वहीं पर मरने के लिए छोड़ दिया करता था। उस औरत से भी उसका बच्चा छीन लिया गया था, तो इसीलिए वो वहाँ पर आने वाले लोगों को बच्चे जैसा ट्रीट कर रही थी और इसीलिए वो टेस को भी अपने बच्चे जैसा ट्रीट कर रही थी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना, और अगर आपको इस मूवी को देखना है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इस मूवी को डाल दूंगा, तो आप वहाँ पर जाकर भी इस मूवी को देख सकते हैं। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।